केशव, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो यहां? जी एक मिनट, जॉनी तू यहां क्या कर रहा है? और डैनी भाभी दिखाई नहीं दे रही? अरे वो डैनी भाभी नहीं आई, वो बा भाभी जी का ना नल खराब हो गया था, प्लम्बर की जरूरत थी, तो सोचा मैं ही आ जाता हूँ। वीपीएन तो बंद है मेरा, तू अंदर आया कैसे साले? तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं द रोहित शो। और आज मैं एक ऐसी न्यूज, एक ऐसा कोलैबोरेशन लेके आया आपके लिए, यू नो अ कोलैबोरेशन दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड बट वी नीड, वही वाली बात हो गई है। जॉनी भाई आ गए हैं रणवीर सिंह के साथ एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए, जिसमें उन्होंने काम पूरा जॉनी भाई वाला ही किया है, समझ रहे हो? मतलब उनके लेवल का जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, जिसमें उन्हें करेक्टर स्विच नहीं करना, जो जिंदगी भर से जो करते आ रहे हैं उन्होंने वही काम ऐड में भी करना है, पर थोड़ा फनी स्टाइल में, कॉमेडी स्टाइल में। जी जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। अरे कितनी चिड़ियों के घोंसले हैं इसकी डाली पे, कितनों के तो परिवार चल रहे हैं इसकी डाली से, तुम्हें कुछ पता नहीं भाभी, तुम साइड हटो। सरक उधर। इनका जॉनी कभी सेंस ही नहीं करता। केशो, ये एड जो है सेक्सुअल अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही फनी वे में बनाया गया है, पर दिक्कत की बात पता है क्या है, एड के प्रमोशन के लिए लोग जिसे लाए ना, इन्हें शायद पता नहीं है कि भारत की आधी आबादी तो इसी को देख के खुद को इल फील करने लग जाती। क्या बोला तूने? ये कर सकता है वो, हम नहीं कर सकते साला, हम ही बीमार है, आधी बीमारियां तो इसी की वजह से फैल रही है। क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने इन्हें कितनी बार बोला कि बोल्ड के लिया करो ताकि इन्हें बेडरूम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे सलाह किसको दे रही हो? जॉनी भाई को। अरे उसकी जिंदगी निकल गई, सर के बाल चले गए उसके, ये सब करते करते। यार जितनी तुमने बॉलीवुड फिल्में नहीं देखी ना, उससे ज्यादा तो उसका कंटेंट पड़ा है वेबसाइट्स पर। तो सच बताओ तो जॉनी भाई को बॉलीवुड में देख के मैं उतना शौक नहीं हुआ। आजकल बॉलीवुड वाले भी कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं शौक हुआ रणवीर सिंह को नॉर्मल कपड़ों में देख के। यार ये बंदा लड़कों का उर्फी जावेद है, ये बंदा समझ रहे हो, ये नॉर्मल कपड़ों में कैसे आ गया? चलो इतनी तो इज्जत है जॉनी की कि रणवीर सिंह को नॉर्मल कपड़ों में आना पड़ा। वो ऐसी संस्कारी एक्टिंग के लिए मैं, ऑस्कर तो नहीं है अपने बस में, हालांकि कुछ भी नहीं है, पर एक अपील करूँगा कि कम से कम बेस्ट एक्टर अवार्ड तो जॉनी भाई को दिया जाए। एल्विस भाई की भी एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक कॉन्सर्ट में गए थे और वहाँ उनकी किसी से बहस हो गई थी, तो उन्होंने शायद उसे थपाड़ा वगैरह मार दिया था। वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊँगा। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वायरल होने लग गई थी, जैसे कि कोई कहता था कि ये मुनव्वर फारूकी का फैन था, कोई बोलता था ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, कोई बोल रहा था इसने किसी लड़की को छेड़ दिया था तभी एल्विश ने ऐसा करा। पर सारी गलत फहमियों को साइड में रखते हुए एल्विश भाई लाइव आए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा। बेटर ये है ना, मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो, पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाली देता देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया, ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो, ऐसा ही हूँ मैं, मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बखी तो उसने, मैंने उसको दे दिया, मैं अपने स्टाइल में, वो मुंह से बोलता हम मुंह से नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।